फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेड्स गेमिंग। और आज हम डबल से खेल रहे हैं वन ब्लॉक। वैसे भी अभी तक के पांच पार्ट बन चुके हैं वन ब्लॉक के। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं शायद से आई बटन डालूं, तो आई बटन में जाके देख लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि जैसा हम सबसे पहले इस ब्लॉक को तोड़ेंगे जो ग्रेवल है, तो मैं स्टार्ट। कुछ अच्छा मिलता है तो मिलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक हार्ट वाली चेस आई है, इसमें बहुत सारे ब्रेड और एक ब्लास्ट फॉर्मेंस और एक आयरन की पिकेक और लावा। इसका मतलब हम बना सकते हैं एक कॉबलस्टोन जनरेटर। वाह, ये वैसे में बहुत डैमेज स्वॉर्ड लेके घूम रहा हूँ। अब इसको भी तोड़ देते हैं। इस चेस को टूट जा। अब इस चेस को लेके चलते हैं। अब ये इसका भी कुछ करना पड़ेगा, बेरीज का ये ट्रैप से करना पड़ेगा। और मेरी जो पहले 6 XP थी वो मैं मर गया था। यहाँ से कुछ काम करते करते हाँ बढ़ाते हुए एरिया, हाँ के एरिया थोड़ा सा बड़ा कर रहा था तब मैं मर गया था। तो सबसे पहले सारा सामान रख देते हैं। और मैंने बहुत सारी वीट जमा करी और मैंने कुछ ऑफलाइन काम करा था, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रेड बहुत रेयर रहती है, थोड़े से ब्रेड खुद भी रख लो। तो ये आयरन पिकेक्स भी यहाँ रख देते हैं, लावा भी, ब्लास्ट फर्नेस और चेस। और मैं ऊपर का ऑफलाइन काम थोड़ा सा और चीज़ें बच गए। ये ब्रेड नहीं रखने का स्टोन, चल जा ऊपर। तो फ्रेंड्स मैं इतना भी ऊपर नहीं बोला। तो फ्रेंड्स मैंने ये ऑफलाइन काम किया है। यहाँ मैंने ये एटा फ्रेम लगा दिया और यहाँ बहुत सारे चेस लगा दिया। इसके अंदर फ्लावर है, इसके अंदर ब्रेड, जितना भी आप अरे दूसरा चेस खोलना था। इसमें जो भी चीज़ हमने जिसका एटा फ्रेम नहीं लगाया, ये लेड वाले इसमें उसको रखने का। और इसके अंदर खाने की चीज़ है जैसे कि ब्रेड होगी और बाकी सब चीज़। यहाँ पर मॉब के जितने भी हम मॉब को मारेंगे सामान जितने भी मिलेंगे उसको यहाँ। और यहाँ आयरन गोल्ड वाटर बकेट भी रखे जाए, डायमंड ये सब रखने का। यहाँ जितने भी सीड्स मिलेंगे सीड्स और ये वुड का और ये फार्मिंग के फूड्स है जैसे कि बेरीज हो गई, वीट है, पम्पकिन है और वाटरमेलन और एप्पल है। और ये स्टोन एज में जितना भी सामान मिलता है, स्टोन का जितना भी सामान मिलता है और स्टोन एज का भी जितना सामान इसमें रखने का है। मैंने वैसे बहुत बार जितना मिलता है बोल चुका हूँ तो थोड़ा सा हंगर नहीं गया। तो कॉबलस्टोन जनरेटर हम कुछ इधर के साइड बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझको ऐसा लगता है। इधर साइड थोड़ा सा एरिया भी बड़ा कर लेंगे। वैसे मैं ये एरिया इसलिए नहीं बड़ा कर रहा था क्योंकि कब्बर स्टोन से मैं एरिया पूरा बड़ा करूँगा। तो मैंने कुछ तोड़ा है, हाँ सही तोड़ा है। तो हम बनाते हैं इधर साइड कब्बर स्टोन जनरेटर क्योंकि इधर के एरिया का कभी कोई काम नहीं है। तो थोड़े से वुड और सामान सारा रख देते इसमें, जैसे कि आयरन पिकेक्स एक्स रख लेते, पिकेक्स भी रख देते, एक तलवार बस रखते और एक ब्रेड रखते, सिर्फ एक। तो हम सबसे पहले ले लेते कुछ स्लैब्स, चलो ऊपर। और अब स्लैब्स ले लेते हैं, इसमें स्लैब है तो यहाँ से जाके स्लैब्स ले लेते। और थोड़े से प्लैंक स्टेयर्स नहीं, प्लैंक्स ले लेते, मतलब थोड़े से वुड जो मैंने पहले कुछ कटे हुए वुड है, इतने वुड काफ़ी है। ये वुड वैसल में मैं नीचे के चेस्ट में रख दूँगा, बार बार ऊपर जाने से अच्छा। ये डैमेज बहुत पड़ गया। तो ये हम सबसे पहले बना लेते हैं कई सारे स्लैब्स। इसका इतना नहीं होगा तो हम थोड़े से और बनाएंगे। एक प्लैंक लेके इसका देंगे एक प्लैंक और इसका देंगे दो स्लैब्स, मतलब 6। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इधर के साइड में क्योंकि ये मैं बाद में ये एरिया में बंद करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हम एरिया बड़ा करने से अच्छा है थोड़ा सा
यहाँ डर्ट लगा के यहाँ एक कबलस्टोन जनरेटर बना लेते, ये सही रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा थोड़ा ऊपर बनाती है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते, थोड़ा डर्ट ले लेते हैं, डर्ट होंगी तो इसमें एक डर्ट है, इसमें ऊपर जाके डर्ट लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से डॉट ले लेते हैं, एक स्टैक नहीं थोड़े कम, 20 काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है वैसे में। ये डॉट लगाया क्यों मैंने यहाँ, और हम थोड़ा सा ये वुड को तोड़ लेते हैं यहाँ का। हम एक बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स टाइप एरिया बनाएंगे हमारे फार्मिंग थोड़ा दूर, क्योंकि हमारे फार्मिंग जलने को नहीं होना। तो यहाँ लगा देंगे डॉट, मैं थोड़ा नीचे साइड भी बना सकता लेकिन है ना मैं ऊपर इसलिए बना रहा हूँ। और यहाँ से एक लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन, इधर साइड डॉट खोदी, ये इधर पानी आ जाएगा, इसको थोड़ा सा प्लैंक और काटना पड़ेगा बोल रहा, तोड़ना पड़ेगा। यहाँ एक ये शायद से डॉट नहीं है, मैं सही समझती हूँ डॉट नहीं है। यहाँ देगा लावा और इधर साइड आएगा पानी, जो कि थोड़ा सा इधर तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पानी डाल देते हैं, हमारी बकेट ऊपर रखी छोएंगी, चल जाओ ऊपर। तो यहाँ से पानी लेके हमारी खेती में से हम डाल देते हैं, इतना डैमेज पहुँच रहा है। तो यहाँ है मेरी वाटर, पानी यहाँ से पानी ले लेंगे, हमारी खेती अब सूखने वाली है ताकत से। तो इधर थोड़ा सा एक ब्लॉक इधर खोदने के बाद, तोड़ने के बाद डॉट नहीं है हमारे पास, तो डॉट लेके आ जाते डबल से। मैंने डॉट ले लिया है, अब हम जाके, ये डैमेज बहुत हो रहा है, तो हम गिरने वाला था कि, तो हम जाके यहाँ लगा देंगे डॉट, हमारी खूबसूरत डॉट। और ये मैं करके, ये गलत बन रहा है, कबलस्टोन जनरेटर ऐसा नहीं बनता है, कबलस्टोन जनरेटर के वास्ते थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ता है। थोड़ा डेकोरेशन के वास्ते मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बगैर डेकोरेशन के वास्ते मैं अजीबोगरीब तरीके से बना सकता हूँ, लेकिन मैं बाद में ये डॉट को हटा के कबलस्टोन लगा दूंगा। ये ज़्यादा पानी बह रहा है, तो यहाँ जाके तो ये सही बना है, पानी ले ले। अरे तेरी खेती खराब हो रही, आ गया पानी। यहाँ जाके एक ब्लॉक पे, यहाँ शायद से यहाँ का पानी, चलो नीचे ऊपर चल जा। हाँ चल के अब यहाँ से थोड़ा सा इधर साइड, क्योंकि डर हमें इधर, यहाँ इधर ऐसा। और ये बन गया हमारा कबलस्टोन जनरेटर, अभी बनने वाला है। तो अब नहीं, नीचे कभी भी क्राफ्टिंग टेबल लगाए तो एफिशिएंसी मिलती, लेकिन एफिशिएंसी की पिकैक्स भी तो हो ना, तो थोड़ा सा ऊपर से वुड लेके आते और एक क्राफ्टिंग टेबल, बोलने से पहले नीचे गिर गया, तो एक क्राफ्टिंग टेबल लेके आते हैं नीचे से, एक क्राफ्टिंग टेबल बना के लगा देंगे वहाँ पर, एक प्लैंक होना। और ये हम तो बैठे बैठे कर सकते हैं, मतलब बगल क्राफ्टिंग टेबल के बन गया क्राफ्टिंग टेबल, चलते हैं अब गिर जा। तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर पानी लेना ही पड़ता है, ले ले, हाँ ले लिया।
यहाँ थोड़ी देर के ऐसे पानी डाल देते, क्योंकि हमारी डॉट जा सकती है, जा रही है, बहुत नीचे चली गई, अब हम नहीं जा सकते डॉट लेने, चल जा रहे ऊपर गिरेंगे क्या, तो यहाँ आ जाएंगे कंफर्टेबल। ये है एफिशिएंसी, गलत जगह लगाया, एफिशिएंसी इधर नहीं मिलेंगी, वो डॉट सही जगह लगी हुई थी, मैंने डॉट वेस्ट कर दिया, डॉट फिर बार बार इतने बार नहीं मिलती है, फिर नेदर में से जाके डॉट लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा, यहाँ डॉट टूटेंगी, और ये नीचे की भी डॉट टूटेंगी, और हमको नीचे नहीं जाने का, इस वजह से हम इधर साइड होके ऐसा क्राफ्टिंग टेबल लगा देंगे, और यहाँ से ले लेंगे पानी, पानी आएगा इधर, और लावा आएगा उधर, अब लावे लावा को लाना पड़ेगा, तो कबल स्टोन जनरेटर अब बनने वाला है, बस एक लावा बकेट और हमारा कबल स्टोन जनरेटर रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा दूर बन गया है कबल स्टोन, बन गया है कबल स्टोन, बन गई बुरा, बन गया है कबल स्टोन। अब हमारी स्टोन पिकेक्स ला के ये लावे को पहले बकेट को साइड में रख के, हमको एक और पानी की बकेट होना नहीं तो हमको कुरोन बना के इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आई, और अब हम घंटे घंटे बैठ के ऐसा कबलस्टोन माइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इससे हमको कितनी जल्दी स्पॉन भी और कबलस्टोन, अगर हमारे पास में एफिशिएंसी पिकैक्स आ जाए तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाएंगी, फिर हम भर भर के कबलस्टोन एफिशिएंसी पिकैक्स ले सकते हैं। अब हमारे पास में इतना सारा कबलस्टोन आ ही चुका है, तो हम बाद में अगले पार्ट में शायद से हम एरिया बड़ा करें, वैसे मैं ऑफलाइन ही एरिया बड़ा करता फिर भी, तो यहाँ हमारा पावर तो पास में चलने दो, अभी हमको कबल स्टोन की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन अभी जनरेटर अभी हम दूसरे काम करेंगे। वैसे फ्रेंड्स मेरा मन कर रहा है कि इसको जनरेटर को थोड़ा इधर साइड लेके नीचे से अच्छा दिखता है, वो तो मैं भी गिर जाता था, डर टूबना नहीं लावा है, तो हमको ऊपर एक स्टोन स्लैब्स लगा दें चाहिए, एक कबल स्टोन लेके एक स्लैब लगा दें चाहिए ऊपर, बस ये इतने स्लैब बहुत ज़्यादा हो गए फिर भी, तो अब यहाँ आ जाएगा एक स्टोन स्लैब, क्योंकि हमको नहीं गिरना लावे में, ये डेकोरेशन भी करूँगा बाद में इसको, तो ये अच्छा दिख रहा है। अब हम डबल से हमारे माइनिंग पे लग जाते हैं, अब कुछ अच्छा मिलता है तो मिलते हैं। से आए गाय आई है, लेकिन मैं इसको मारने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत गाय है, मर गई, तो चलते हैं वापस काम पे, अब कुछ अच्छा मिलता है तो मिलते हैं। मिला है गोल्ड, बहुत लकीली एक गोल्ड, नहीं पहले भी मेरे को गोल्ड मिल चुका है, लेकिन हमारे से बहुत काम में आने वाला है गोल्ड, इससे हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं, और अब हम इस गोल्ड को जगह नहीं है, मैं इस चेस को अरेंज करने के बाद मिलता हूँ, मतलब सारा सामान जगह पे रखने के बाद मिलता हूँ। फ्रेंड्स मैंने सारा काम कर चुका हूँ, अब हम हमारा जो आयरन है इसको मेल्ट करने वाले हमारे ब्लास्ट फर्नेस में, जो हमको नवा नवा मिला है, और उसमें इसको हम साइड में इधर साइड लगा देंगे ब्लास्ट फर्नेस को, इसमें से प्लैंक ले लेते थोड़े से, और यहाँ आयरन, और यहाँ हमारा अब देखते हैं हमारा ब्लास्ट फर्नेस, और मैंने यहाँ पर बहुत सारा वुड है, और थोड़ा सा प्लैंक चाहिए, मैं 11 पूरे डाली देता नहीं थे इसमें, अभी खुद ही होते रहेगा, और हमारा आयरन बन जाएगा, और आज हम शायद से आयरन के, हाँ अभी गिर सकते थे, तो आयरन के हम शायद से आज वो चीज़ें बना सकते हैं इसमें भी मेरे, और अब कुछ अच्छा मिलता है तो मिलते हैं। यहाँ एक चेस आई है जिसमें मेरे को एक लेदर की पैंट मिली है, और बहुत सारे एरोज मिले हैं, और मैं थोड़ा से सामान समेट लेता हूँ,
तो मेरे को ये सब मिल चुका है, ये बहुत खुशी की बात है। ये ले तो यहाँ थोड़ा सामान रख देते हैं, ये एरोज बड़े काम में आएंगे, ये कबरस्टोन, और मेरे को थोड़ा सा आयरन और मिला था। वैसे मैं आयरन अब नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये डॉट और प्लैंक, अपना प्लैंक मिला। और मैंने एक काव को मारा है क्योंकि वो काव स्पॉन हो गई थी मेरे सामने। वन ब्लॉक के जो ब्लॉक रहता है वहाँ से स्पॉन हुई थी, इस वजह से मैंने इसको मार दिया। और हम इस पेंड को पेन लेते हैं, तिहार को थोड़ा सी प्रोटेक्शन चेस में तोड़ा नहीं। एक और चेस, वाह, चेस की पर चेस मिल गए है। और अब हमारे पास हो गए, अब हमारा इसमें लेदर का पूरा सूट शायद से बन जाए। अब नहीं आया तो यहाँ अब हमारे थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो गई है, लेकिन हम हमारे आर्मर को अब थोड़ा डैमेज भी पहुँच रहा है। थोड़ा सा खा लिए और हम अब इसमें एरोज और लेदर ये सब रख देते हैं। अरे चेस भी, नहीं तो हम इस चेस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये चेस बड़ा हो गया है, अब इसमें चेस रख देते हैं और कोल भी रख देते। अब स्टार्ट डबल चेस चालू कर देते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। कमेंट करना, लाइक भुला।